तो चुनाव आयोग इसमें जो है अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। इससे जनता को नहीं पता चलता है कि मेरे लिए कौन सही एमपीआर, कौन सही एमएलए है। अब 1 से 3% तक सिर्फ जो है स्वर्ण जाति के ईडब्ल्यूएस में आते हैं, लेकिन उनको आरक्षण कितना मिलता है? 10%। भाई तुम मोटे किस लिए होते हो? तुम जो है तुम्हारे चेहरे ग्लो क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें खानी एक रोटी होती है, तुम खा 3 जाते हो, तो वो 2 हिस्से की रोटी वो हमारे नाम की खा जाते हैं। कि जब तक इस देश पर बहुसंख्यक समाज का राज नहीं आएगा, तब तक बहुसंख्यक समाज के बच्चे मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे। हमारा रिटन टेस्ट में तो हम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में हमारा जो है अंगूठा बार बार काट दिया जाता है। तो ये इंटरव्यू जो है ये हमारे लिए जो है द्रोणाचार्य का जो है काम करता है। अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है, अगर उसके वो अपनी माँ के हैं, अगर उनकी माँ ओबीसी है, तो उन्होंने ओबीसी का 27% ही लागू कर दो, हमें नहीं चाहिए 63%। ओबीसी की जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे? सबसे पहले तो गिनती जो करा के राज्य नहीं है, वो कहां से ओबीसी का हो गया? एक सावित्री बाई फुले जो शिक्षा की क्रांति ला सकती है, एक फूलन देवी जो 22 बलात्कारियों को बिना किसी न्यायाधीश के मार सकती है, एक नांगेली जो स्तन टैक्स को हटवा सकती है, अगर ये ओबीसी समाज संसद में बैठ जाएगा तो ये जो है इस देश पर से स्वर्णों का राज हटा देंगी। तीन दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं, वोटों की गिनती होनी है, लेकिन एक वीडियो सामने आया है मध्य प्रदेश से, जिसमें दिखाई दे रहा है किस तरीके से तमाम प्रशासन के लोग हैं, उन लोग सामने मतपेटियों को खोला गया है और कांग्रेस पार्टी गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रही है। शिवराज सिंह चौहान की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट राजबाला सैनी है। मैडम, कैसे देखती हैं, गंभीर आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर? जो बालाघाट में कलेक्टर हैं गिरीश मिश्रा जी, उन्होंने जो है पोस्टल बैलेट पेपर जिस तरीके से वो खुलवा रहे हैं, तो ये एक छोटी सी घटना है इस देश में, बहुत छोटी सी, गंभीर नहीं है मामला। ये चुनाव आयोग पे बार बार सवाल क्यों उठा रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियां, बहुजन समाज क्यों उठा रही है उंगलियां? क्योंकि सबसे बड़ा चोर जो है चुनाव आयोग ही है। मैं आपको बता दूं, अगर इस देश में जो है जो बहुसंख्यकों की 90% जिसकी वोट है, उसकी सरकार क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि मेन जो दोषी है, जो आरोपी है, वो चुनाव आयोग है। ये तो एक छोटी सी बात है कि पोस्टल बैलेट पेपर को खोल के उन्होंने देख लिया, यहाँ तो ईवीएम ही जो है गायब हो जाती है, इधर से उधर हो जाती है, तो एक छोटी सी घटना है, ठीक है, इस पे बड़ा वो नहीं कीजिएगा। नहीं तो चुनाव आयोग की अगर आप देखें तो कितना जो है महंगा चुनाव आप देखते हैं, सरेआम सारी दुनिया देखती है, लेकिन रोकथाम चुनाव आयोग उस पर नहीं करता है। आप देखिए स्टार प्रचारक जो होते हैं राष्ट्रीय पार्टी के, वो और जो है ना वो सीएम भी होता है, पीएम भी होता है, सब होते हैं उसके स्टार प्रचारक, हीरोइन भी होती है, क्रिकेटर्स भी होते हैं, प्लेयर्स भी होते हैं, उसका खर्चा कौन देता है? उसका खर्चा राष्ट्रीय पार्टी देती है, लेकिन लेकिन उम्मीदवार के खाते में वो नहीं जाता। और राष्ट्रीय पार्टी की जो फंडिंग है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, तो यानी राष्ट्रीय पार्टी अगर है तो वो कितना भी खर्चा जो है चुनाव में कर सकती है, लेकिन अगर एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और अगर बहुसंख्यक समाज जिसके पास जो कृषि करता है, जो मजदूरी करता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, तो वो स्टार प्रचारक का खर्चा जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ना उनको कोई पार्टी फंडिंग करती है, ना कोई कॉर्पोरेट फाइनेंसर उनको फंडिंग करता है, तो ये क्या है? ये चुनाव आयोग की पार्शियलिटी जो है ये दर्शा रहा है। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है, पार्शियलिटी कहाँ करता है? चुनाव आयोग निष्पक्ष है? आप एक बात बताइए, सारे टीवी चैनल पर बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बस यही नजर आता है। नीतीश जी की अगर कोई बात जो है, अगर थोड़ा सा भी उनका जो है जुबान से थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है, वो चीज तो उसकी उनकी दिखा देंगे, लेकिन बिहार में जिस तरीके से जो है आपका 50% से जो है उन्होंने आरक्षण 75% कर दिया है, क्या किसी टीवी चैनल पर यह डिबेट दिखाई जा रही है? क्या जो है किसी, जब उम्मीदवार एक जगह के एक लोकसभा के उम्मीदवार जब खड़े होते हैं, उनकी डिबेट होनी चाहिए जैसे फॉरेन में डिबेट होती है, ताकि जनता हर टीवी चैनल पर उन उम्मीदवारों की डिबेट देखे और उससे जो है चुनाव आसान हो जाए कि किस में नॉलेज है, कौन जो है जमीनी स्तर के मुद्दों को जानता है और किस में इंटेलिजेंसी है, उस हिसाब से वो वोटिंग कर सके। तो ऐसी कोई भी जो है डिबेट हमारे किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं होती। तो चुनाव आयोग इसमें जो है अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है।
इससे जनता को नहीं पता चलता है कि मेरे लिए कौन सही एम्पियर, कौन सही एमएलए है। इस वक्त नरेंद्र मोदी से ज्यादा समझदार, बुद्धिमान, ताकतवर कोई व्यक्ति देश में नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश को जो है नरेंद्र मोदी से पहले तो ये तो जो है छटपटा रहा था देश, है ना। इस देश में कोई तरक्की हुई ही नहीं, है ना। अब नरेंद्र मोदी आए हैं तो मैं कहती हूँ उनकी स्पीड अच्छी है। बेरोजगारी जिस तरीके से वो लाए हैं उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो है फूलन देवी एक नग्न घुमाई गई थी, मणिपुर में तीन तीन महिलाएँ नग्न घुमाई गई हैं, उनकी स्पीड अच्छी है। लेकिन किस वे में आप अच्छी है, पॉजिटिव वे में अच्छी है या नेगेटिव वे में अच्छी है, ये हमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरीके से जो है गरीबी का स्तर जो है हमारा जो है गिरता चला जा रहा, जो है बढ़ता चला जा रहा है, कर्जा हमारे देश पर बढ़ता चला आ रहा है, अशिक्षा हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है, किसानों का कर्जा हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है, और MSP जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए था वो मिनिमम सेल प्राइस हो गया है। मतलब किसानों को, मजदूरों को, इनको तो नोच लो, और जो है सारा अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, सारा व्यापार इनको दे दो और बहुसंख्यकों के खून को भी चूस डालो। इस तरीके की मोदी जी की हमने जो है, और अभी जो है ना 40, आपने देखा था कि किस तरीके से टनल में फंस गए लोग, है ना। और जो है ना इस देश में जो है ना कोई मंत्र काम आया, ना यंत्र काम आया, इनके पास कुछ है ही नहीं। फॉरेन से मंगा के जो है उस टनल में जो है देखा गया कि कहाँ फंसे हुए, कहाँ नहीं फंसे गए। तो ऐसी इस देश के हालात है। नरेंद्र मोदी शांत हो सकता, मोदी जी को उत्तरकाशी वाले मामले, जिस तरीके से टनल में 41 मजदूर फंसे हैं, मोदी कोई जानकारी ना हो, इसलिए मोदी खामोश हैं, मोदी का कोई ट्वीट नहीं आता। देखिए, मोदी का ट्वीट तो अब बड़ी जल्दी आ जाता है, ट्वीट नहीं आता, मोदी का जो है वक्तव्य आ जाता है जब नीतीश जी जो है बात करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, भाई फीमेल्स जो है, पढ़ी लिखी जो फीमेल्स हैं उनके ऊपर जब बात करते हैं तब जो है मोदी जी को बहुत टाइम मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुसंख्यक OBC समाज को दबाना है, कहीं नीतीश जी उनके कॉम्पिटिशन में ना आ जाए, ठीक है, वो चीज़ दबाने के लिए तो मोदी जी के पास है। लेकिन 41 इस देश के मजदूर जो इस देश को बना रहे हैं उनके लिए मोदी जी के पास समय नहीं है। अगर अडानी के, अंबानी के बेटे के कोई से शादी हो, कुछ रिसेप्शन हो, क्या किसी हीरोइन का हो, तब तो वह मोदी जी चले जाते हैं, तब वहां पे कैसे टाइम मिल जाता है। गरीब मजदूर जो इस देश को बना रहे उसके लिए टाइम नहीं है मोदी जी के पास। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए किसी नेता, मंत्री, विधायक का बेटा होता, सांसद का बेटा फंसा होता टनल में, तो अब तक क्या होता, कल्पना कर सकती हैं आप? कल्पना कर सकती हूँ। अगर BJP का होता तो क्या होता, ये सुनो ना, कि अगर BJP का कोई नेता वहाँ पे फंसा होता तो भाई ब्रजभूषण शरण की तरह कितनी भी धाराएं लगी हों, कितने भी अपराध कर रखे हों, लेकिन बाल भी बाका उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। और अगर BJP का कोई नेता का बेटा या बेटी उसमें फंसा होता टनल में, तो पूरे देश का जो है टेक्नोलॉजी सारा उसी पे लग जाता, सारा जो है ध्यान मोदी जी वहाँ पर स्पेशल जाते, जैसे कि मोदी जी क्रिकेट का मैच देखने के लिए, 5 राज्यों में चुनाव है लेकिन स्पेशल जो है 5-6 घंटे लगा के जो है वो उस क्रिकेट के मैच को देखते हैं और हरवा के देश को वहाँ से आते हैं। तो अगर मजदूर वहाँ पे फंसता तो मोदी जी खुद बैठ जाते, भाई चाहे इस पूरे भारत में आग लग जाए लेकिन ये MLA का या MP का ये बेटा जो है जरूर बाहर निकलना चाहिए। ये अंतर है आम मजदूर में और BJP के या कांग्रेस के MP MLA के औलादों के उसमें। लेकिन आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। पेट्रोल पंपों पर पोस्टर लगाए गए हैं, मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर दाम कम कर दिया, मोदी सरकार ने फला काम कर दिया, मोदी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कर दिया, और आप लोग 6 तारीख को प्रोग्राम कर रहे हैं कोई बड़ा रामलीला मैदान में मोदी खिलाफ। अरे मोदी खिलाफ कीजिए लेकिन देश खिलाफ मत कीजिए मैडम। देखिए, देश हमारा है, देश मोदी का नहीं है। मोदी मतलब देश, देश मतलब मोदी, नहीं ऐसा नहीं होता है कि मैं राजबाला मतलब देश। हम इस भारत के एक अंग हैं, ठीक है, मेरे से भारत नहीं बना, मैं भारत से बनी हूँ, ठीक है। तो ये गलतफहमी है जो इतनी गलतफहमी में जी रहा है कि भारत से, मोदी से भारत है, नहीं, ये अपमान है देश का अगर आप ऐसे कहते हैं कि मोदी से भारत है। नहीं, मोदी एक क्षण भंगुर इस भारत का हिस्सा है, ठीक है। और मोदी ने जिस तरीके से 33% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन OBC समाज का प्रतिनिधित्व उसमें नहीं रखा है, कि उन्हें पता है कि SEBC जो है सोशल एंड इकोनॉमिकली जो है बैकवर्ड क्लासेस है ये बहुसंख्यक समाज, क्योंकि सारा का सारा पैसा किसके पास है, स्वर्ण जातियों के पास है। बताइए 50% जो है 10% लोग, और MP MLA कितने, 50%,
ठीक है, अब 1 से 3% तक सिर्फ जो है स्वर्ण जाति के ईडब्ल्यूएस में आते हैं, लेकिन उनको आरक्षण कितना मिलता है? 10%। भाई तुम मोटे किस लिए होते हो? तुम जो है तुम्हारे चेहरे ग्लो क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें खानी एक रोटी होती है, तुम खा 3 जाते हो, तो वो 2 हिस्से की रोटी वो हमारे नाम की खा जाते हैं, इसीलिए ये इनकी शक्लें अलग होती हैं और हमारी शक्लें अलग होती हैं। कब तक आरोप लगाती रहेंगी? अरे आपके तो समाज के लोग पढ़ते ही नहीं, स्कूल जाते ही नहीं हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है खेप उठाने में, उन्हें बड़ा मज़ा आता है किस बोझा उठाने में। देखिए कि मैं एक शिक्षिका रही हूँ, ठीक है, और मैं अपनी शिक्षक जो फील्ड है उसको छोड़ के मैं राजनीति में आई हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुंडे जो बैठे हैं, सबसे ज़्यादा एजुकेशन को बर्बाद करने जो बैठे हैं, वो नेता लोग बैठे हैं, ठीक है। और उन नेताओं में भी मुझे समझ में आया कि जब तक इस देश पर बहुसंख्यक समाज का राज नहीं आएगा, तब तक बहुसंख्यक समाज के बच्चे मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे, क्योंकि इनको पढ़ाई से आज भी जो है द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा जो है मांग रहा है हमेशा इंटरव्यू के आधार पर। हमारा रिटन टेस्ट में तो हम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में हमारा जो है अंगूठा बार बार काट दिया जाता है। तो ये इंटरव्यू जो है ये हमारे लिए जो है द्रोणाचार्य का जो है काम करता है। तो इसी आप भी ओबीसी हैं राजबाला सैनी जी, आप भी ओबीसी हैं, नरेंद्र मोदी की माँ भी ओबीसी थी और नरेंद्र मोदी ने ओबीसी माँ की कोख से जन्म लिया। देखिए अगर वो ओबीसी है, अगर मैं ओबीसी हूँ तो मैं ओबीसी के मुद्दे क्यों उठाती हूँ? क्योंकि यानी मैं असली हूँ। अगर मैंने टमाटर का बीज बोया है तो उससे आलू नहीं निकल सकता, उससे निकलेगा टमाटर ही निकलेगा। अगर मैं ओबीसी की हूँ तो ओबीसी की बात करूँगी। अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है, अगर उसके वो अपनी माँ के हैं, अगर उसकी माँ ओबीसी है, तो उन्होंने ओबीसी का 27% ही लागू कर दो, हमें नहीं चाहिए 63%। ओबीसी की जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे? सबसे पहले तो गिनती जो करा के राजी नहीं है, वो कहाँ से ओबीसी का हो गया? उसके बाद आप जो है ईडब्ल्यूएस का बिना किसी डिबेट के आरक्षण 1-2% जो देना चाहिए था वो 10% करा देते हो। अरे तुम मुझे 27 बैकलॉग मेरा पूरा करो, 27 का ही अगर हिम्मत में है तो तुम भी जो है ओबीसी के कहलाओगे। तुमने जो सरकारी ठेके हैं वो जो है सारे रिलायंस के ही जो है पेट्रोल पंप है, रिलायंस की जो है घिया है, रिलायंस का ही सेब है, रिलायंस का ही गन्ना है, रिलायंस के ही सब कुछ, अंबानी अडानी सब कुछ उसी के नाम कर दिए तूने। तो ये ओबीसी के लिए तूने क्या किया? कुछ भी नहीं किया नरेंद्र मोदी जी। और ओबीसी की महिलाओं को 33% रिजर्वेशन भी आपने नहीं दिया, जो सबसे बड़ा कुटाराघात हमारे साथ है कि ओबीसी की महिलाएं संसद में ना पहुंच सके। एक सावित्री बाई फुले जो शिक्षा की क्रांति ला सकती है, एक फूलन देवी जो 22 बलात्कारियों को बिना किसी न्यायाधीश के मार सकती है, एक नांगेली जो स्तन टैक्स को हटवा सकती है, अगर ये ओबीसी समाज संसद में बैठ जाएगा तो ये जो है इस देश पर से स्वर्णों का राज हटा देंगी। इसीलिए हमें आपने जो है प्रतिनिधित्व नहीं दिया मोदी जी। आप हमारे इतिहास में हमारे हत्यारे, ओबीसी समाज की महिलाओं के हत्यारे जो है कहलाओगे, नाम दर्ज आपका हो चुका है। चलिए राजबाला सैनी साफ तौर पर कह रही नरेंद्र मोदी असली ओबीसी नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी डुप्लीकेट ओबीसी है। अगर नरेंद्र मोदी असली ओबीसी होते हैं तो ओबीसी को आरक्षण मिलता, महिलाओं को सम्मान मिलता, दलितों के ऊपर इस तरीके से अत्याचार नहीं किए जाते। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।